ओवैसी की पॉपुलरिटी टेस्ट करनी हो तो ओल्ड हैदराबाद सिटी में किसी भी पुराने बाशिंदे से पूछ लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का मोबाइल फोन नंबर सबके पास होता है। हैदराबाद में फ्लड आया तो ओवैसी और उनके विधायक हर दिन फील्ड में दिखे। ये ग्राउंड वर्क ओवैसी को हैदराबाद सिटी में कभी हारने नहीं देता। जीएमसी इलेक्शन में बीजेपी ने तमाम स्टार पावर उतार दिया, लेकिन पुराने शहर में ओवैसी की एक भी सीट नहीं हिली। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में ये ओवैसी का महल है। रोजाना दारुल सलाम जाने वाले ओवैसी जुमे के दिन वहां नहीं आते। जुमे के रोज वो सिर्फ नमाज के लिए घर से निकलते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी मेडिकल कॉलेज, ओवैसी इंजीनियरिंग कॉलेज, ओवैसी एम्बुलेंस सर्विस, हैदराबाद में मजलिस को इनसे ताकत मिलती है और मजलिस की ताकत से ये भी बढ़ रहे हैं। पहले एक अस्पताल था, अब अस्पतालों की सीरीज है। पहले एक कॉलेज था, अब पूरे के पूरे कैंपस खड़े हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। दावा किया जाता है कि ओवैसी के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से हजारों गैर मुस्लिम स्टूडेंट भी तालीम पाते हैं। बीते वर्षों में ओवैसी की निजी संपत्ति में भी लगातार इजाफा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया उसके मुताबिक उनके पास 27,84,000 की चल संपत्ति और 3,10,00,000 की अचल संपत्ति थी। 2019 के चुनाव में ओवैसी ने जो एफिडेविट दिया था उसमें ओवैसी की चल संपत्ति 1,67,00,000 और अचल संपत्ति बढ़कर 12,00,00,000 हो गई। ओवैसी के पास दो हथियारों का लाइसेंस है, पहली 0.22 बोर के पिस्टल और दूसरी 0.3